दोस्तों, आज मैं आपको पांच ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगी जिन्होंने मार्च 2024 में एक्सेलेंट रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं और जो अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे हैं। तो पहली कंपनी का नाम है केपी एनर्जी। ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% नीचे है। ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है जो अपने क्लाइंट्स को विंड एनर्जी प्रोवाइड करती है। कंपनी के की प्रमोटर मिस्टर फारूक पटेल का रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में करीब 20 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है। कंपनी ने हाल ही में एक्सेलेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2024, जो कि आप यहां देख सकते हैं। सेल्स 40% ऊपर है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, जबकि नेट प्रॉफिट 60% ऊपर है। कंपनी ने आज तक 830 मेगावाट की कैपेसिटी एनर्जाइज की है और अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो करेंटली कंपनी के ऑर्डर्स इन हैंड हैं करीब 1012 मेगावाट। कंपनी के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं एट sovereign.com। सॉवरेन अपने यूजर्स को फ्री ट्रायल ऑफर कर रही है तो जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरी कंपनी का नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। ये अपने ऑल टाइम हाई से करीब 20% नीचे है। ये कंपनी रेलवे वैगन्स की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। मार्च के महीने में इसे रेलवे मिनिस्ट्री से 4500 वैगन्स बनाने का ऑर्डर मिला था, जिसके वैल्यू है करीब 2000 करोड़। कंपनी ने हाल ही में QIP के थ्रू 700 करोड़ रुपए रेस किए हैं। कंपनी का ऑर्डर बुक लगभग 28,000 करोड़ का है, इंक्लूडिंग इट्स शेयर एज पार्ट ऑफ JVs विथ भेल एंड रामकृष्ण प्रोजेक्ट्स, और ये कंपनी के FY24 रेवेन्यूज के लगभग 7.3 टाइम्स। तीसरी कंपनी का नाम है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स, और ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% नीचे है। ये एक RDSO यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड सोर्स है फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रेंजेस फॉर द इंडियन रेलवेज। कंपनी ने हाल ही में एक्सेलेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं फॉर द हाफ ईयर एंडिंग मार्च 24, जो कि आप यहां देख सकते हैं। सेल्स 52% ऊपर है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, जबकि नेट प्रॉफिट 2.3 टाइम्स ऊपर है। पिछले साल एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल ने करीबन 11 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं और उनकी कंपनी में करेंट होल्डिंग करीब 4% है। कंपनी के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं एट sovereign.com। सॉवरेन अपने यूजर्स को फ्री ट्रायल ऑफर कर रही है तो जरूर सब्सक्राइब करें। फोर्थ कंपनी का नाम है EMS। ये अपने ऑल टाइम हाई से करीब 20% नीचे है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी EPC कंपनी है जो कि वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल में स्पेशलाइज करती है। कंपनी ने हाल ही में एक्सेलेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 24, जो कि आप यहां देख सकते हैं। सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों ही 30% ऊपर है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। फिफ्थ और आखिरी कंपनी का नाम है जेंसोल इंजीनियरिंग। ये अपने ऑल टाइम हाई से करीब 30% नीचे है। कंपनी ट्रेडिशनली एक सोलर EPC प्लेयर है और पिछले कुछ सालों में इसने EV के स्पेस में भी एंट्री ली है। EV के अंडर कंपनी का बाय एंड लीज का मॉडल है, जहां ये राइड हेलिंग सर्विसेज लाइक ब्लू स्मार्ट को EV कार्स रेंट पर लीज आउट करती है। और एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लेते हुए कंपनी ने खुद ही अब EV कार्स की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू 963 करोड़ था और कंपनी का करेंट ऑर्डर बुक है 1783 करोड़, जो कि अगले 12 महीने में एग्जीक्यूट होगा। ये ट्रांसलेट करता है लगभग 85% ग्रोथ इन FY25 ओवर FY24। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।